Hello viewers, welcome to my channel. I am Purnendu, your math teacher. Today I am going to explain you class 6, chapter 8. And the name of the chapter is decimal. And it is taken from NCERT book. So, this video mein aapko batane wala hun example 3. Example 3 diya hai, write each of the following as decimals. Aapko kya karna hai, ye jo fraction form mein diya hai, usko aapko decimal form mein rakhna hai. To maine pichle video mein bataya tha, kaise decimal form mein usko represent karte hai. To isme aaiye, hum usko solve karte hai. ठीक है, पहला इसमें दो क्वेश्चन दिया, पहला दिया है 30 + 6 + 2/10. आपको क्या करना है, 30 + 6 कितना होता है, जनरली 36 होता है. अगर कोई कोई नहीं आता तो 30 + 6 आप कर लीजिए. तो 30 + 6 कितना आया, 36. तो 36 लिख लिया मैंने. फिर ये 2/10, 2/10 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था. ठीक है, 2/10 मतलब आपको जो संख्या है वो लिख लीजिए. फिर 1 में कितने जीरो है, एक ही जीरो है, तो मतलब एक संख्या से पहले आपको पॉइंट लगाना है. ठीक है, तो उसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ 2 लिख देना है और उससे पहले पॉइंट लगाना है. ये आ गया आपका आंसर. ठीक है, अभी बी में जाते हैं. बी में क्या दिया है, 600 + 2. तो क्या करना है आपको, 600 के साथ 2 को क्या करना है, आपको प्लस करना है. तो कर लीजिए, ये हो जाएगा 602. आप उसको लिख दीजिए 602. ठीक है, 8 भी आप लिख लीजिए, क्योंकि 8 भी दिया है. देन आपको देखना है कि यहाँ 1 में कितने जीरो है, एक जीरो है. तो आपको लास्ट से आपको क्या करना है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट आपको देना है. तो ये आ गया आपका आंसर. ठीक है, थैंक यू.